ओह माय गॉड, इतने सालों के बाद फाइनली हम ससुराल सिमरका में देखेंगे प्योर फैमिली ड्रामा। ना डायन, ना चुड़ैल और ना ही मक्खी, लेकिन एब्सोल्यूट इमोशंस। जहां शो में सिमर ने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे के जन्म लेते ही सिमर हो चुकी है अपने भारद्वाज फैमिली के अगेंस्ट। आखिर क्यों, आइए सुनते हैं खुद सिमर से। या वाकई में हमको भी ऐसा ही लग रहा है। इनफैक्ट जब मैंने सीन भी पढ़ा तो आई थिंक I automatically had tears because after a very long time we actually have a family drama scene and it is superb. So, in fact, I would like to tell all my audience कि मैं जानती हूँ आप में से कईयों को बहुत शिकायत है हमसे। So, please ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। I don't know ये कब पहले कास्ट होगा, बट जब भी होगा I will post it on my Insta. So, follow me. So, but please watch it. It's a very beautiful twist. It's a very beautiful change that we are getting and I'm sure आप सभी से बहुत पसंद करेंगे। हाँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आई थिंक वही है। अब ये किसी चीज़ का अंत है या एक नई शुरुआत, ये आपको डिसाइड करना है। तो देखते हैं बेटे के साथ। आई थिंक यही है, हम अपनी किसी भी मॉम को देखेंगे या किसी भी मॉम से पूछेंगे तो बच्चे से ज़्यादा ऊपर और कुछ उनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, कुछ नहीं होता। सो एग्जैक्टली सिमर के साथ भी वही हो रहा है कि उसका पहला बच्चा है जो उसने खुद अपनी कोख से जन्मा है, तो इस वक्त वो ये कुछ भी समझने सोचने की ताकत में ही नहीं है कि वो बच्चा इज़ नेगेटिव, या मतलब वो सोचना भी गलत है, ऑब्वियसली बात है गलत है। तो इसीलिए जबकि पूरा आज वो बहुत ज़्यादा हर्ट है क्योंकि जिस परिवार को वो अपना मानती थी वो पूरा परिवार आज उसके अगेंस्ट खड़ा है। सो दैट्स द रीज़न शी इज़ फाइटिंग एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर हर चाइल्ड सिस्टर। ऑनेस्टली मुझे वो दिखाई नहीं दिए क्योंकि मैं इतनी घुसी हुई थी अपने सीन में और मैं तब मैं ग्लिस ही ले रही थी तो मुझे वो समझ में नहीं आया। बट जब वो मैम के पास आके खड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ तो मस्ती की। टीवी जगत की अन्य चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।